मैं घर तक लिया ना थोड़ा सा। अरे एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया था एक शासकीय अधिकारी द्वारा, और उसके द्वारा कई तरह के कमेंट किए जा रहे थे महिलाओं को लेकर के, अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर के, और कई अश्लील वीडियो भी डाले गए। क्या है पूरा मामला, कौन है ये? वाणिज्य कर कार्यालय में एक सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी हैं। इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया जिसके एडमिन ये स्वयं है, और उसमें करीब 40 लोग उसमें मेंबर्स हैं। और इन्होंने वहीं पे कार्यरत एक महिला कर्मचारी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए और अन्य प्रकार की टिप्पणियां, और उसमें किसी को भी जान से मार देने की धमकी देने बाबत, वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण करा देने के संबंध में या आरक्षण के संबंध में लेकर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां और आपत्तिजनक टिप्पणियां करी हैं, और गाली गलौज के शब्दों का भी इस्तेमाल उसमें किया गया है। जो वहाँ पर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमारे थाने पर धारा 294, 506 और 67 ITA का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो ग्रुप एडमिन थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनसे वो मोबाइल जिससे उन्होंने वो मैसेज पास किए थे वो उस पर देखा गया है, वो हैं, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, और आज उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर ये बताया जा रहा महिला से एक तरफा प्रेम के कारण इस तरह के ग्रुप बना करके लोगों को जोड़ता था, फिर अब ये स्पष्टता कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक ही महिला विशेष के प्रति इन्होंने ये अभद्र टिप्पणियां करी हैं। और एक जानकारी और ये भी प्राप्त हुई है कि जो इनके ग्रुप को ये सब मैसेज पढ़ने के बाद लेफ्ट होता था तो ये उसको पुनः फिर जोड़ देते थे उस ग्रुप में। तो इस प्रकार का ये कृत्य इनका थोड़ा सा गलत था। सर कहां से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? इनको इनके निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो ग्रुप मेंबर्स थे ये सारे मेंबर्स क्या उसी विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे या अन्य लोग भी थे? अब इसमें अधिकांश तो मेरे ख्याल से या तो सभी होंगे, क्योंकि अभी सभी के बयान हुए नहीं है, प्रकरण कल ही दर्ज हुआ है, अनुसंधान में है।